ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2018 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଉରକେଲାଠାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇକ ଇତିହାସର ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, आप सबके आशीर्वाद बने रहे, आपके पूर्वजों के त्याग और तपस्या के अनुकूल देश को उस दिशा में उनके सपनों वाला देश बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास करें। उत्कल विश्वविद्यालय रे गवेषणा चेयर स्थापन करिबा पाई मध्य घोषणा करा जाय छि। 2019 मसीहा डिसेंबर मास भारतर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बरुणाई ठारे पाइक विद्रोह स्मारकी प्रतिष्ठा निमंते शिलान्यास करिथिले। ओडिया जातिर वीरत्वर गाथा को सर्वभारतीय स्तर में स्वीकृति देवा क्षेत्र में केन्द्र सरकार प्रशंसनीय भूमिका रही आसी। कला साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करिथिबा व्यक्ति विशेष को राज्यसभा को मनोनीत करिबा एक संवैधानिक व्यवस्था। प्रथम थर पर वर्तमान केन्द्र सरकार विशिष्ट स्थपति स्वर्गत रघुनाथ महापात्र एवं ख्यातनामा ओडिसी नृत्यांगना सोनाल मानसिंह को राज्यसभा को मनोनीत करिथिले। ओडिशा में अराखुड़ा में एक सज्जन है नायक सर। मन की बात आम लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक जनाद्रुत कार्यक्रम। सही क्रम से ओडिशार अनेक निष्ठाप्र तथा सर्जनशील प्रतिभा सहित वार्तालाप कर नीलगिरी आशाकर्मी जमुना मणिषी गरीब पिला पाठ पढ़ा कटकर चा दोकानी स्वर्गत डी प्रकाश राव नर्दमा निष्कासन संपर्क में मौलिक परामर्श दे भुवनेश्वर सीतांशु मोहन परिडा चित्रशिल्पी विजय विश्वाला चिंगारी आप्र सह प्रतिष्ठाता विश्वात्मा नायक सामरिक और अर्धसामरिक तालीमदाता सिलू नायक। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर की पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। कोविड टीकाकरण विषय में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी पुष्पा शुक्ला क्षुद्र जंगल सृष्टि अमरेश सामंत हेन्ताला बण सृष्टि विजय कुमार कवि यूट्यूब्र चर्चित चेहरा इशाक मुंडा एवं पुरी को प्लास्टिक मुक्त करिथिबा राहुल महाराणा सह मोदी जी कथा होइथिले। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह ओडिशा रे एते संख्यक लोकक सहित भाव विनिमय करिबा तांको ओडिशा प्रीतिर परिचय कचरा साफ करते। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एनविजन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे केंद्र सरकार ओडिशा को मध्य यथेष्ट गुरुत्व प्रदान करुछंती। 2015 मसीह माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अनुषित बैठक में देश में 6 गोटी नुआ आईआईएम खोलने निष्पत्ति ओडिशा भाग में पड़ा गोटे संबलपुर प्रतिष्ठा होता आईआईएम। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। केवल आईआईएम नुहे ब्रह्मपुर रे आइजर खोलिबा पाई निष्पत्ति नहीं थिले मोदी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।